Hi, I'm Dr. Gunjan Bhola. I'm working as an associate director and unit 2 head Meringo Asia Hospitals, Faridabad. So today we'll discuss about PCOS. PCOS is a lifestyle disorder. PCOS, PCOD, polycystic ovarian syndrome या polycystic ovarian disease, जिसको पहले PCOD कहते थे, बाद में PCOS इसीलिए कहना शुरू किया because it's a lifestyle disorder, जिसमें एक healthy lifestyle होना बहुत ज़रूरी है इन patients के लिए. Usually it is seen in obese patient, जिनके अंदर patient usual complaint के साथ आता है, जिसको irregular cycles होते हैं, face पे acne हो सकते हैं, hair growth extra face पे होना, उसको जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं, ये सब इसके करेक्टरिस्टिक साइंस हैं, ये सिम्टम्स जिसके साथ पेशेंट आता है. और ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होती है. हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि आजकल लाइफस्टाइल है, यूजुअली आप देखेंगे बच्चों में भी, जिसमें आई वुड से पोटैटो जनरेशन, बिकॉज आइदर दे आर सिटिंग ऑन देयर लैपटॉप या फिर टीवी वॉच कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग एनी आउटडोर स्पोर्ट्स, एंड डाइट में भी ज़्यादातर फास्ट फूड है. So that has led to the rise of PCOS in a nutshell. So when we say lifestyle modification, then lifestyle modification should be in the form of diet. Dietary mein aapko white flour bilkul band karna hai, meetha band karna hai, and you have to find a healthy alternatives like jaise complex carbohydrates ho gaye. So if you want to have a pasta, then wheat pasta but red pasta. So similarly for pizzas also, proper pizza ki jagah aap wheat pizza kabhi kabhar le sakte hain. Plus आउटडोर स्पोर्ट्स को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो ये डिजीज़ है, और आई वुड से ये डिसऑर्डर दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम टीनेज गर्ल से लेके टिल द एंड ऑफ अराउंड मेनोपॉज, इन सब एज ग्रुप को अफेक्ट करता है. शुरू में फीमेल्स जो होती हैं, यंग गर्ल्स, उनमें हैवी साइकिल्स, इरेगुलर साइकिल्स की कंप्लेंट है, प्लस जैसे मैंने आपको बोला एक्ने या हिर्सुटिज्म की कंप्लेंट है. लेटर ऑन इट कैन बिकम दे माइट हैव प्रॉब्लम इन कंसीविंग ऑल्सो, इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी का इफेक्ट आने लग जाता है. एंड आफ्टर देयर फैमिली इज कम्प्लीट, तो हैवी साइकिल्स की वजह से लेयर अंदर के एंडोमेट्रियम थिक हो सकती है, जिसमें दे आर एट रिस्क ऑफ हैविंग एंडोमेट्रियल कैंसर ऑल्सो. प्लस साथ के साथ में डायबिटीज़ होने का रिस्क है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का रिस्क है. सो वॉट एग्जैक्टली इट रिक्वायर्स इज, एक अपना वेट कंट्रोल रखिए, थोड़ा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रखिए, एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल थ्रू आउट योर लाइफ. दैट्स इट. थैंक यू.